बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिल राशिद हिजाज़ी प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ नाजरीन किसी भी मुल्क में अदल का जो पैमाना है वही असल में उस मुल्क की माशरत का उस मुल्क की तहज़ीब का उस मुल्क की सियासत का और उस मुल्क के आवाम के हकूक़ का आइनदार होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदलिया का इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उजमा जब किसी मसले पर अपनी राय देती है अपना फैसला देती है तो उसके बारे में फिर कहा यह जाता है कि उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए अब यह कलहदा बात होगी कभी हम करेंगे बात कि अमल दरामद क्यों नहीं होता लेकिन एक ऐसा फैसला सामने आया है जो कि पाकिस्तान के एक उस अदारे के बारे में है जिसको भी एक अदल के साथ वाबस्ता जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस मुल्क को बदनवानी से पार करना है और जो करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब करना है और ये कितना बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक पैमाना था कि जिस पर अगर पूरा उतर जाया जाए एहतसाब के पैमाने पर तो फिर कहते हैं खैर ही खैर सत्त ही खैर लेकिन ये मेरा ख्याल पहली मरतबा हुआ है कि एक केस जो कि बरह रास्त नैब के अदारे के, के ख़िलाफ़ नहीं था ख्वाजा साद रफीक और उसके उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जमानत का मसला था नैब के केस के हवाले से आम तौर पर होता ही है कि जमानत का जो फ़ैसला आता है बड़ा मुखसर सा होता है और जमानत को या ले ली दी जाती है मस्रद कर दी जाती है लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि जमानत तो अपनी जगह हो गई लेकिन नैब के अदारे को सवालिया निशान बनाया गया सिर्फ सवालिया निशान नहीं बनाया गया बल्कि फ़ैसले में वाज तौर तो पर कुछ आ, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वो सामने आई हैं चीज़ें जिस पर बात होनी चाहिए और बात से आगे बढ़कर उस पर अमल भी होना चाहिए तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उसका इम्पेक्ट क्या होता है और नैब की अपनी फिर क्या आ, कानूनी हैसियत रह जाती है बल्कि उसका जवाब भी क्या रह जाता है कि जबकि के नैब के, के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इसने कानून की धज्जियां बखेर दी तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शरीक गुफ्तु होंगे पाकिस्तान के कानून के हवाले से एक बहुत ही मोतबर शख्सियत जिनका नाम कानून और आइन के हवाले से एक ख़ुद एक रोशन मिसाल है पाकिस्तान के सबक अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के नामवर कानूनदान जनाब शाह खाबर साहब आज हमारे प्रोग्राम में इस मौजुअ पर अहम मौजु पर अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब शाह खबर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सबक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बहुत शुक्रिया शाह साहब अब बातें तो वो हैं कि हमने तो सिर्फ सुननी है और आपने हमें बताना है और आवाम की भी रहनुमाई करनी है कि ये जो एक अहम मोड़ आया है मोड़ में इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदालती अदारा है इसने एक दूसरे अदारे के हवाले से अपने फ़ैसले में जो कहा है कि इस नायब ने तो कानून की धज्जियाँ बखेर दीं तो जब नायब ने क़ानून की धज्जियाँ बखेर दी हैं और तो फिर इसका क्या फिर आईनी हैसियत क्या रह जाती है कानूनी हैसीियत क्या रह जाती है कि वो अदारा जो एतसाफ़ के नाम पर बना खुद का उनकी ध्जियाँ बखेर रहा है जी बिल्कुल विजय साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का और मुझे एज़ा बखसने का देखिए ये जो पाकिस्तान में एक बहस जो है एहतसाब के हवाले से जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से ये बहस शुरू हो गई थी और आपने देखा होगा कि इस जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें उन्होंने उसका एक पस मंज़र भी दिया है कि कैसे कब पहला कानून बना था एहतसाब के नाम के ऊपर उसके बाद वो कानून दूसरे कानून में ज़म होते गए नए कवानी आते गए कहीं एबडो था कभी प्रोडा था कभी एहतसाब ऑर्डीनेंस था कभी सदारती रेफरेंसेस थे और अभी मौजूदा जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डीनेंस है नाइनटीन नाइन का और इसके बारे में हमेशा से तनकीद होती रही और आ, हमने ये भी देखा कि ये जब भी कवानी बने ये इस नीयत से नहीं बने कि मुल्क में वाकई एक ऐसा निज़ाम तफ्तीश और तहकीक का और प्रोसिक्यूशन का एक निज़ाम बनाया जाए जो कि बदनवानी जो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के आगे एक बंद बांध दे और जो लोग इसमें मुलिस हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएँ तो इस पर तो बड़ी सहर हासिल बहस हो सकती है अब दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो मौजूदा कानून है ये इन फील्ड है इसी को हमने फॉलो करना है और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में जो बात हुई है वो उसमें जो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जिस पर ज़ोर दिया गया है वो ये दिया गया है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस कानून में ख़ुद बड़े सुकम मौजूद हैं इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है लेकिन जो तरीक़ाकार और प्रोसीजर इस कानून में दिया गया है वो इस जजमेंट में बताया गया है कि वो नैब जैसे बड़े अदारे ने उसको फॉलो नहीं किया उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं की जो कानूनी तकाजा था या जो डेफिनेशन होती है नैब ऑर्डिनेंस में करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस की और जो केस ख्वाजा बरदरान के ऊपर बनाया गया जिन ग्राउंड्स के ऊपर बनाया गया जिस मवाद के ऊपर बनाया गया जिन शहादतों के ऊपर बेस करके बनाया गया वो तो ये जुर्म बज़ाहिर बनता ही नहीं था ये तो एक ऑल टुगेदर मुख्तलफ़ और कानूनी इसके रास्ते मौजूद थे इसमें सिविल लाइबिलिटीज थी और बहुत सारी चीज़ें थीं लेकिन वो जो एक एलिमेंट होता है जिसको अंग्रेजी में या लेटिन जुबान में मेन्ज्रिया कहते हैं कि इंटेंशन टू कमिट क्राइम वो बड़ा एलिमेंट जो है वो किसी भी जुर्म के लिए ज़रूरी होता है तो इसमें पूरा जो मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट में गो के ये एक केस के हवाले से था और उसमें उस केस के फैक्ट्स के मुताबिक ये फैसला हुआ है लेकिन उसके साथ साथ ज़मानत देने के साथ साथ जो तहफात का इज़हार किया गया मैं समझता हूँ कि जिस नाराज़गी का इज़हार किया गया मौजूद सुप्रीम कोर्ट आफ़ पाकिस्तान में उस कार के ऊपर जो कि के इस केस की तफ्तीश शुरू करने से लेकर उनके ऊपर रेफरेंस बनाने तक जितने मराहल थे उनके बारे में एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया और अपनी डिस्प्लेयर का इजहार किया गया तो शाह होता है तौर पर जब आप माशाल्लाह इस कानून की दुनिया के शनावर हैं कि जमानत का जो फैसला है अमोमी तौर पर जो हमने देखा है वो बड़ा मुख्सर सा होता है उस पर इवन उस केस पे भी इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता ताकि वो जमानत का अमल जो है ना वो केस के मेरिट पर वरानंदाज ना हो तो यहां पर तो पूरे नैब के अदारे को भी डिस्कस किया गया तो ये खिलाफ रवायत किस्म का फ़ैसला नहीं है देखिए मैं समझता हूं कि इस पर क्योंकि जब एक फ़ैसला आ जाता है तो फिर अवाम की प्रॉपर्टी बन जी, जाता है उसमें फिर हम जायज़ जो है तनकीद भी कर सकते हैं डिस्कशन भी कर सकते हैं इस पर मैं ये समझता हूँ कि एक तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि नॉर्मली जो ज़मानत देने के फ़ैसले होते हैं वो इतने तफसी नहीं होते उस पर केस के मेरिट्स को इतना ज़्यादा टच नहीं किया जाता उसमें शहादतों को इतना ज़्यादा नहीं जो है डिस्कस किया जाता उसमें एक मूमी सी राय कायम की जाती है कि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है और उनके ख़िलाफ़ शहादत क्या है और इस्तगासा ने क्या कोई ऐसा केस बनाया है जो कि व नज़र ज़ाहिर उनको कनेक्ट कर रहा है उस जुर्म के साथ तो वो एक फ़र्दर इंक्वायरी की एक बात होती है आ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो आ, इतना ज़्यादा तफसील से उसके मेरिट्स को डिस्कस किया गया वो नॉर्मली जो उस हैं रहनम हैं जो कि जमानत के लिए वजह किए गए हैं उससे थोड़ा सा इनहराफ है ये सेवन है? कितने ये मेरे है ये सेवन सेवन पेज़ेस। पेज़ेस है, बड़ा अच्छा, उसमें हालांकि आखिर में ये लिखा हुआ है कि हमारा ये जो फैसला है ये हमारी एक अमूमी राय है इस जमानत की दरखास्त के हवाले से जो हमारे सामने थी और ये जो ट्रायल कोर्ट है वो इससे असरानंदाज नहीं है अच्छा नहीं आप ये बताएं तो, एक सीनियर कानूनदान की रिस से इज़ इट पॉसिबल कि जो एटी सेवन पेज का फैसला आए और इतना ज़्यादा वो डिस्कस भी हो रहा है जिसको हम भी बड़ी अहमियत दे रहे हैं और जाहिर है हर बंदा इस पर सवाल उठा रहा है तो ओ इट इज़ पॉसिबल कि 87 पेजेस का तवील फैसला हो और बड़ा एक तहलका मेज फैसला हो और ट्रायल कोर्ट से ना हो बिल्कुल देखिए ये तो तो पत्थरों की बनी दुनिया ये, तो नहीं है आपकी देखिए ये आपकी आप बात बिल्कुल ठीक है देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ट्रायल कोर्ट में बहुत फर्क है क्योंकि वैसे तो हर अदालत मोज होती है हाँ। चाहे वो मजिस्ट्रेट क्लास हाँ, थ्री हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सुप्रीम कोर्ट के है वो सारे अदलिया से ही रिलेटेड लेकिन चूंकि एक हर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है और उसमें जब ये फैसला फर्ज करे कि इसको जब ट्रायल होगा ख्वाजा बरदरान का तो जब उनसे उनको क्योंकि उनको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी शहादत में सफाई में क्या शहादत देना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री या जुबानी तो मेरा ख्याल है कि जब वो इसको बतौरे इजाफी शहादत अपने डिफेंस में इस जजमेंट को जब वो पेश करेंगे तो उसको पढ़ा तो जाएगा इससे बड़ी और सफाई क्यों नहीं मिल सकती तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें ये एक थोड़ी सी अनिली है कि इसके फैसले के शहादत को और उसके मेरिट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया नहीं। अगर ये ना भी किया जाता तो ऐसे उमूमी सी राय कायम करके पाँच सात इसके आठ दस जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको सामने रख के तो ये दस हफ़ों की भी जजमेंट हो सकती थी लेकिन ये चूँकि उनका प्रीरोगेटिव है वजस जज साहब ने मैं समझता हूँ कि जो ऑथर हैं इसके वो ए, मैं ए, इस, उनके सामने इतनी चीज़ें गुजर चुकी थी नैब के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये मुनासिब मौका समझा जहां पे वो एक मुफसल फैसला लेकर बल्कि है। जो, जो हाँ। जो जो रही हैं आज तक उसका उन्होंने हाँ, हाँ, पूरे नैब को कटरे में खड़ा कर दिया और मुझे आपके वो लफ्ज बड़ा अच्छा लगा कि इसमें एक डिस्प्लेयर भी नजर आता है बिल्कुल और जिस तरह वह जुल्मे और अमन भी इसमें तो नजर आता है कि वाकई इसके पसे पर्दा भी पूरी तरह नैब के खिलाफ एक एक सोच डिवेल्प हो चुकी थी जिसका इजहार किया गया इस फैसले जी में एम आई राइट बिल्कुल ठीक है देखिए उसकी वजह यह है कि ये पहला फैसला नहीं है इससे पहले भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे मोज्ज़ हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं जो उन्होंने मुख्तु मौक़े पर मैप के हवाले से फैसले होते रहे हैं चाहे वो जमानत की दरख्वास्तें थी या उनका ट्रायल था या अपील्स थी लेकिन उस पर भी अक्सर रिजर्वेशन का इजहार जो है वो मोज्ज अदालतें करती रही हैं बिल्कुल मुझे याद आ गया जो सबका चेयरमैन थे कमर साहब तो उनके जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल एक और तरह की राय थी जी तो नैब के बारे में कहा गया था ये मुर्दा घोड़ा है यानी करता ही कुछ नहीं है कुछ होता ही नहीं है तो अब जो थोड़ा सा मुतर्रक हुआ या तहर्रक पैदा हुआ फालीद पैदा हुई है तो उसमें ये कानूनी मुशराफ किया लेकिन अब उसमें फर्क ये आ गया है कि ये जो घोड़ा है जो पहले मुर्दा था वो न सिर्फ जिंदा हो गया लेकिन उसमें इतनी ताकत आ गई है कि उसने जो उसके रास्ते में उसूल और वो जवाबत तो ये एक इन बैलेंस जरूर है अच्छा तो ज़ाहिर है जब ये इस तरह की कैफियत बन जाए तो फिर जो निज़ाम अदल का जैसे जिक्र आप खुद फरमाने की अदालतें अगरचे अदले ही होती है लेकिन बहरल ये सबसे बड़ी अदली है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो जब इतनी वाज और मस्तहम और महकम रम कर ले किसी अदारे के बारे में और उसमें ये कह भी दे कि अवाम का अतम उठ चुका है ये भी फैसले में कहा गया है कि नैब से अवाम का अतमाद उठ चुका है तो उसमें अदली के अपनाद में ज़ाहिर उसने कर दिया तो शाह खबर साहब जिस अदारे पर अवाम का अतमाद भी उठ चुका हो बकौल सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी उस पराद का इजहार कर रही हो अवाम का अतमाद भी नहीं है अदले का अतमाद भी नहीं है तो फिर क्या हैसियत है नैब की देखिए मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद नैब की हैसियत जो है वो हंसी लोगों के जहनों में न सिर्फ मशकूक हो गई है बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं आ, अब हमने देखा यह है कि जब से जजमेंट आई है नैब ने इसके बारे में अभी तक कोई आ, किसी रिएक्शन का इजहार नहीं किया या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमेंट जो है वो उसको देख रहे हैं उसमें जो गलतियां पॉइंट आउट की गई हैं हम उनको नए सिरे से देखेंगे उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे या अगर हमें उस जजमेंट से इतफ़ाक़ नहीं है तो हम उसकी क्या नजरसानी की अपील फ़ाइल करेंगे या अब लेकिन अभी तक नैब का कोई ऐसा जवाब नहीं आया अच्छा आपके जहन में क्या है अब ये सवाल तो आपने बढ़ा उठाया देखिए कि वो नजरसानी की तरफ जा सकती है नैब इस माहौल में मेरा ख़्याल है मुश्किल हो जाएगा उनके लिए नज़र षानी क्या उनके पास इख्तियार ज़रूर है लेकिन नज़र षानी उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की हो सकती है कि जिसमें दूसरा फरीक यह महसूस करे कि इसमें कोई इतना बड़ा कानूनी सुकम है या इतनी बड़ी जो है गैर कानूनी बात हो गई है कि जिसका आगे तवातर से रहना ज़रूरी नहीं है या वो मजीद कानूनी पेचिदगियाँ पैदा करेगा तो उस सिकम को दूर करने के लिए रिव्यू फ़ाइल कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो इन्होंने फैसला दिया है उसमें ऐसा कोई कानूनी सिक्क मौजूद है कि जिसका वो रिव्यू हो रिव्यू का भी फिर ये होता है कि आपने फिर वो जो कानूनी निकात हैं जो सुकम रह गए हैं सिर्फ उसकी हद तक आप जो रिव्यू के लिए कह सकते हैं आप पूरा ओपन नहीं कर सकते तो ऐसी बतौर, तो बतौर नज़र आ रही है और दूसरी चीज ये है कि वो फिर जो रिव्यू होगा वो इसी बेंच के सामने रखा जाएगा सही, सही। तो उसके तो बड़े मादूम किस्म के मुझे चांसेस लग रहे हैं अब इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे इसके नतज क्या होंगे देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और उसके जो फैसले हैं और वो फैसले जिसमें उन्होंने कोई कानूनी रहनमा उसूल वज़ा कर दिए हों तो उसमें उस सूरत में आर्टिकल 189 एटी नाइन आई ने पाकिस्तान उन्नीस सौ तिहत्तर का यह कहता है कि के वो उसूल जो कि कानूनी उसूल वज़ा कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पाकिस्तान की तमाम अदलिया बशमूल हाई कोर्ट और जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग है उसके वो बियॉन्ड नहीं जा सकते और इसी तरह आर्टिकल 190 नाइनटी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटी उसकी मदद के लिए आएंगे तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब होगा क्या कि चूंकि रहनमा असूल उन्होंने वज़ा कर दिए उन्होंने रहनमा असूल किसपे वजह किए हैं कि आप किस स्टेज के ऊपर किसी बंदे के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं आप जब गिरफ्तार करेंगे तो नैब के पेश नज़र या प्रोसिक्यूशन के पेश नज़र क्या क्या, क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या मवाद होना चाहिए फिर उसके बाद आप किसी को वादा माफ गवाह बना रहे हैं तो क्या वादा माफ गवाह बनाने के जो तकाजे हैं वो अगर पूरे ना हुए हों जो इस केस में बिल्कुल भी नहीं थे उसके मतलब उन्होंने रहनमा असूल बना दिए कि किसी को अगर आप पार्डन देते हैं जो कि नैब के कानून में मौजूद है कि एक मुलम है वो अगर डिसक्लोजर करना चाहता है असल हक बताना चाहता है इस वादे के साथ कि मुझे सज़ा नहीं दी जाएगी तो, तो वो एक चेयरमैन को दरख्वास्त लिखते हैं चेयरमैन उसको फिर फैसला करते हैं कि क्या वाकई इसको पार्डन दिया जाए या जिसको दूसरे अल्फाज में आप बारे वादा माफ़ गवाह कहते हैं तो इस केस में जो वो जो असूल वजह हुए हुए हैं कानून ने किए हुए हैं कि किस सूरतों में उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब उनका मजिस्ट्रेट के सामने उनका एक वादी बयान वो साहब का जो लिया गया एक बाली बयान में ये होता है कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया जा सकता या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उसमें होता ये है कि जब आप किसी को वादा वाफ गवाह भी हो या एक बाली बयान भी अगर वो दे रहा है तो वो जब मेजिस्ट्रेट के सामने देगा तो मेजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि आप ये बयान देने के पाबंद नहीं हो अगर ये आप बयान दोगे तो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है और दूसरा ये है कि आप इसके देने के पाबंद नहीं हैं और उसके, उसके बाद जिसके खिलाफ बयान दिया, दिया जा रहा है उसका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है क्योंकि वो उस पर सके जिरा दी होती है इसमें जी बिल्कुल होती है और तीसरी चीज़ ये है कि जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इसमें निशानदेही की गई वो ये थी कि उनका ये इकबाली बयान रिकॉर्ड करने के बाद उनकी हरासत दोबारा नैब को दे दी गई हालांकि असूली तौर पर यह होता है, है कि जब आप किसी का काी बयान जो है वन सिक्सटी फोर का रिकॉर्ड करते हैं तो फिर उसका मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा उसकी तहवील में नहीं देता प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की वो उसको जेल भेज देता है जुडिशल रिमांड के ऊपर लेकिन यहाँ पे उल्ट किया गया तो वो जो इकबाली बयान उसका जो पार्डन था उसकी सारा प्रोसीजर उसके बारे में जो मैं समझता हूँ कि जो जो चीज़ें निशानदेही की गई इस जजमेंट में और उसके रहनमा असूल बनाए गए अब जब भी कोई एक वाली बयान दिया जाएगा तो वो उन असूलों के मुताबिक दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने वजह कर दिए है इसी तरह अरेस्ट के बारे में कि आप किसी को किस वक्त अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो गिरफ़्तार करने का जो इख्तियार है वो चेयरमैन नैब के पास है या उनके किसी नामज़द करदा जिसको उन्होंने डेलीगेट की हुई वो पार वो कर सकते हैं तो वो उनके पास स्वाबदीदी इख्तियार है कि, कि वो किसको किसी, किसी जुर्म, जुर्म में गिरफ़्तार करना चाहते हैं किसी को नहीं करना चाहते ये उनकी स्वाबदीद है और वो जब जहाँ पे स्वाबदीद भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ कदगने लगा दी गई हैं उसके भी कुछ पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं इस जजमेंट में तो अब जितनी भी लोग इन्होंने गिरफ्तार करने हैं या जिनके ख़िलाफ़ अभी कार्रवाई जारी है उन पे जो इस जजमेंट में असूल वज़ा कर दिए गए हैं वो बिल्कुल उन पे भी अप्लाई होंगे और कोर्ट्स ऑफ लॉ को हाई कोर्ट्स को भी और ट्रायल कोर्ट्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा ये बड़ा अहम पॉइंट बताया है जनाब शाह खावर साहब ने कि अब शवाब दीदी इख्तियारत इस तरह नहीं होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा असूल वज़ा किए कि जो जी चाह कर लिया जिसको जी चाह गिरफ्तार कर लिया जिसको जी चाह ना किया कि जैसे कि मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा ऐसी बात नहीं होगी तो इस पर बात जारी रहेगी लेकिन इस वक्त एक वकफा ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और बात का आगाज यहीं से करेंगे टेक ए ब्रेक